1967 में आज एक दिन बॉलीवुड अदाकारा जूही चावला का जन्म हुआ था। कुजनाप में स्कूल की पढ़ाई के बाद जूही का पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। 1984 में जूही मिस इंडिया बनी। जूही चावला ने 1986 में रिलीज हुई फिल्म सल्तनत में जरीना के किरदार से बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 1987 में मशहूर डायरेक्टर रविचंद्रन की फिल्म प्रेम लोका में जूही ने काम किया, जो उन दिनों ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1988 में जूही ने करियर की पहली हिट हिंदी फिल्म कयामत से कयामत तक में काम किया, जो अभिनेता आमिर खान की भी पहली फिल्म थी। यह फिल्म कमर्शियल तौर पर हिट रही। इस फिल्म के लिए जूही को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड भी दिया गया। जूही ने बोल राधा बोल, प्रतिबंध, राजू बन गया जेंटलमैन, हम है राही, प्यार के, डर, स्वर्ग जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं। जूही ने शाहरुख खान के साथ मिलकर कई फिल्मों का निर्माण भी किया है, जिनमें फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, अशोका और चलते चलते हैं। 1971 में आज ही के दिन अमेरिकी विमान ने मंगल ग्रह के चक्कर लगाए थे। मैरिनर 9 ऐसा पहला विमान था जिसने एक दूसरे ग्रह के चक्कर लगाए हों। करीब एक महीने बाद वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की साफ तस्वीरें दिखाई दी थीं। इस ग्रह पर बड़े बड़े ज्वालामुखी थे। मंगल ग्रह पर दिखने वाले ज्वालामुखियों में से एक ज्वालामुखी की ऊंचाई धरती पर मौजूद ज्वालामुखी से दुगनी थी। वहां चौड़ी नहरें थीं, जिससे ऐसा अंदाजा लगाया गया कि मंगल ग्रह पर पानी मौजूद हो। 1985 में आज एक दिन कोलंबिया में ज्वालामुखी फटने से भारी तबाही हुई थी। इस घटना में करीब 23,000 लोग मारे गए थे। सबसे ज्यादा नुकसान तोलिमा प्रांत के दूसरे बड़े शहर आरमेरो में हुआ, जो राजधानी बोगोटा से 50 मील दूर है। 1902 में कैरेबियाई द्वीप मार्टिनिक के पर्वत मॉल पेली के फटने के बाद ये दूसरी बड़ी घटना थी। उस समय धमाके में 29,000 लोग मारे गए थे। 1985 में ज्वालामुखी फटने के बाद यह पर्वत नेवाडो डेल रुइज कई सालों तक सक्रिय रहा। 1991 और 1992 में फिर ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। एक विस्फोट 1845 में हुआ था, जिसमें करीब 1,000 लोग मारे गए थे। करीब 50 वर्षों के बाद लोगों ने आरमेरो शहर को सूखे कीचड़ के ऊपर बनाना शुरू किया। 1985 की तबाही के बाद सरकार ने दबे हुए शहर को पवित्र धरती घोषित कर दिया। और 2007 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड में भारतीय फिल्म गांधी माई फादर को सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मिला था। यह फिल्म महात्मा गांधी और उनके बेटे हरिलाल के बीच रिश्ते की कहानी है। इस फिल्म के निर्माता थे अनिल कपूर और उनका दावा था कि गांधी जी और उनके बेटे की कहानी बहुत लोगों को नहीं पता होगी। इस फिल्म का निर्देशन फिरोज खान ने किया था। दर्शन जरीवाला ने फिल्म में गांधी जी की भूमिका निभाई और शेफाली शाह ने कस्तूरबा गांधी का किरदार निभाया था। अक्षय खन्ना ने फिल्म में गांधी जी के बड़े बेटे की भूमिका निभाई।